हम सब स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। कुर्बानी करेगा कोई और, मेरा बेटा बनेगा आईएएस कलेक्टर और जज। आपका बेटा बेटी आंदोलनकारी क्यों नहीं बन सकता है? पत्रकार वकील क्यों नहीं बन सकता है? कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, खाली पॉलिटिकल क्लास लड़ाई लड़ रहा। नेता कहां से बोलेगा सब बात? इकोनॉमिस्ट है? नहीं है। सीए है? नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बनाया ही नहीं। सीए नहीं रहेगा तो खीरा चोरी के आरोप में जेल में जाओगे या हीरा चोर? देख लो, वो मालिया मेहुल चौधरी सब फाइव स्टार होटल में रह रहा है। फुटबॉल मैच की तरह नहीं, हांडी खेल नहीं देखते, एक के कंधा पे एक चढ़ता है मार के वो हांडी तोड़ता है। फुटबॉल मैच नहीं देखे कि पास देखे खेलो गोल करेंगे। हम लोग में ईगो बहुत ज्यादा है। एक ही आदमी अपने आप को इतिहासकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री, गणितज्ञ, पॉलिटिशियन, पत्रकार सब खुद ही समझता। कौन फंडिंग कर रहा है इनको विधायक खरीदने के लिए और सांसद खरीदने के लिए? कौन करता है फंडिंग? वही आपका आरक्षण खोर जो गगनचुंबी इमारत में बैठा हुआ है। तो अपने अपने देवताओं की घर वापसी करवाओ, कोई कर्म कांड नहीं करो, ज्ञान विज्ञान लाओ और शादी ब्याह से लेकर जन्म मरण में किसी पुजारी को मत बुलाओ। पहला कानून, एक रास्ता है। पांच सात मिनट अपनी बात रखूंगा, आप लोग भी थक गए होंगे, दिन भर बैठे हुए हैं। और सांसद संजय जी जो बात कह गए, अतुल प्रधान ने जो बात कही और अंतिम में वामन मिश्राम जो बात बोले, अगर सिंथेसाइज करूं तो आधा घंटा कम से कम समय लगेगा, लेकिन मैं उसमें जाता नहीं, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। पांच से सात मिनट बात रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँ। एक पंक्ति है, भय के आगे विजय है। क्या सुना आपने? सुना नहीं लगता है मुझे। भय के आगे विजय। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? लंबा चौड़ा सर्किल है दोस्तों में, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, कुछ जजेस भी हैं, लीडर भी हैं, एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं। जहां जाओ सब जगह डरा समा हुआ लोग सब मिलेगा। क्यों? गुजरात के दो साहब देश की सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर चुके। अभी तीन चार दिन पहले ही यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यही एक प्रोग्राम था, कपिल सिब्बल साहब का भाषण हमने लगाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तकरीबन 6 लाख लोगों ने देखा और सुप्रीम कोर्ट की पूरी समीक्षा उन्होंने की है कार्यशैली की। उनके ऊपर कई डिबेट और कई विवाद भी पैदा हो रहा है। संजय सिंह जो सांसद कह रहे थे कि सब कुछ छीन लो, मेरे जवान कैसे छीन सकते हो? अतुल भी वही बात कह रहा था। आखिर हम गिरफ्तार क्यों हुए? आपकी जमीन की लड़ाई, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, किस चीज की लड़ाई थी? पुलिस अधिकारी 2 बजे रात तक घर में बैठ के कन्विंस करता रह गया कि सर आपने जो लिखा है वो हटा दीजिए। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हटाऊंगा, क्योंकि यह संघ परिवार जिस तरह से इस देश को जिस दिशा में लेकर जा रही है उसके खिलाफ यह हमारी वैचारिक लड़ाई है। किसी कीमत पर उसको हटाऊंगा नहीं, जो करना है कर लो। हम चाहते तो फ्राइडे को शाम में हम चले जाते, चेन्नई चले जाते, पटना चले जाते, कहां कहां पुलिस हमको ढूंढती रहती, लेकिन हमारा इतिहास भगोड़ों का नहीं है, माफी वीरों का नहीं है, बैठा रहा वही सामने। और क्यों? क्योंकि इसका पर्पस ये था कि मेरी गिरफ्तारी, वो गिरफ्तारी नहीं होगी, तुम रोक के मुझे देखो, देश में जेल में कमी पड़ जाएगी, जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। और आपके अंदर जो डर है, जो सहमे हुए हैं, उस डर को निकालना भी हमारा उद्देश्य था। कोई पर्सनल मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि समाज जो डरा हुआ है डर से बाहर निकालो, मुसलमान डरा हुआ है, दलित, कौन ऐसा आदमी है दो चार लोग को छोड़कर
जहां देखते हैं डरा ही हुआ है। इसीलिए मैंने कहा भय के आगे विजय है। और हमारे जो साहब है ना, बहुत बहादुर आदमी नहीं है, ये भी मैं आपको कह दूं, क्योंकि हर रीजन का अपना एक कल्चर होता है। गुजरात बहुत समृद्ध, बहुत पहले से रहा है, वहां कोस्टल एरिया है और बहुत विदेशों से व्यापार होता रहा है, तो व्यापार वो अच्छा कर सकते हैं, झुंड में लड़ाई करवा सकते हैं, लेकिन बहादुर नहीं है। आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं। अब बात आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। मैं समझता हूं कि अब यह समय आ गया है कि इसका नाम में थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, कि आरक्षण लाओ संघर्ष समिति। करो आरक्षण लाओ। कहां है आरक्षण? सांप भाग गया, हम लाठी पीट रहे हैं। बिल में भाग गया, हम लाठी पीट रहे हैं। तो जैसे सुदामा कोटा आया ना 10%, सुदामा कोटा, जनऊ कोटा जिसको बोलते हैं 10%, न किसी ने मांगा, न कोई कमिटी बैठी, न कमीशन बैठा, न कुछ हुआ, लेकिन सरकार अपने से ले आई 10%। संजय जी विरोध कर रहे थे, मैं भी विरोध कर रहा। किसी ने मांगा था, कोई आंकड़े आए, कहीं कोई सेंसस हुआ, लेकिन उसको मिल गया, समाज जागृत है। हमारे यहां लाखों संगठन है, सब अपना अपना नेता समझता है, बोलता है सब एक हो जाओ, लेकिन नेता मुझे ही मानो। दिक्कत तो यहां है, सब बोलेगा एक हो जाओ, लेकिन नेता मैं ही रहूंगा। नेता बनने की बड़ा चस्का है। कभी किसी देखे हैं कि ब्राह्मण को, ठाकुर को ये कहने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? नहीं, बोलता है प्रधानमंत्री पिछड़ा बना लो, राष्ट्रपति दलित बना लो, लेकिन एजेंडा काम हमारा करो। हमारे में सबको नेता बनने का जो है होड़ लगा रहता है, और रिटायरमेंट के बाद तो और तेज हो जाता है। कुछ लोग 20-20 साल से, 30-30 साल से लगे हुए हैं, समीक्षा तो करना होगा। अभी आप ही लगे हुए, नया जनरेशन लीडरशिप कहां है? जात जात के नेता बना लिए, जात जात के अगर लीडर बनाते तो हम तब भी मान लेते कि लीडर बनाए, जात जात के डीलर बना लिए। और जात जात का डीलर जब से बना है, तब से आपका आरक्षण और आपका प्रतिनिधित्व खत्म होने लगा है। मैं साबित करके दिखा दूंगा, बता दूंगा, इतिहास का छात्र हूं। तो ये आरक्षण लाओ संघर्ष समिति, आरक्षण चला जा चुका है, खाली नेता सब का आरक्षण बचा रहा है, बाकी वो कहां गया अभी बता रहा हूं। 6 करोड़ का कावर लेके गए थे जहां पर मंदिर में, वो मंदिर में आपका आरक्षण गया। और ऊंचा ऊंचा जो बहुमंजिली इमारत देखते हैं, गगनचुंबी इमारत, उसमें गया आपका आरक्षण। अडानी के घर में गया आरक्षण, विस्तार से कह चुके हैं, उस पर नहीं जा रहा। वो अडानी के घर में गया, जितने पूंजीपति हैं उसके घर में गया आरक्षण। अब लाभ कैसे लाओगे? जो सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है या बेचा गया, वो किसको बेचा गया? अडानी को, इसी तरह के लोगों को बेचा गया ना। तो आपका आरक्षण तो उसे घर में चला गया, वापस कैसे लाना है? तो वापस लाना है, पहले छोड़िए कौन नेता बनेगा नहीं नेता बनेगा, अरे देश में हजारों नेता की जरूरत है, अब हमारे पास कोई नेता ही नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब दलितों का कोई वोट मांगने वाला भी नहीं, किसी ने क्लेम ही नहीं किया कि हम दलित के लीडर हैं। दलित का कोई वोट मांगना, आपका वोट कोई मांगने वाला नहीं है। सब पार्टी देखे उत्तर प्रदेश चुनाव में, ब्राह्मण का वोट मांग रहा है, दलित का कोई वोट मांगा आपसे? मांगा तो लवारिस लोग हो गए हैं, लवारिस, कोई वोट नहीं मांगता आपका, तो कैसे होगा लड़ाई? बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे कोई दिलचस्पी नहीं फिलहाल, लेकिन राजनीतिक विकल्प पेश करने की मेरे पास एक चॉइस है, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, कि अडानी को नेशनलाइज करो, उसके पूरे संपत्ति को जो है सरकारी कब्जे में लाओ,
और जिस जिस लोगों ने पूरे देश का कर्जा, सबसे बड़ा कर्जदार है और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना फिर घूम रहा है, वो कर्ज लिया है बैंक से, किसका पैसा? हम ही सबका पैसा है भैया। तो अडानी का नेशनलाइज करो एजेंडा, नेता सबको बोलोगे इस पर चर्चा करोगे पार्लियामेंट में, और नहीं करोगे तो हम नया नेता पैदा करेंगे देश में। ये काम पहले भी हो चुका है, इंदिरा गांधी ने किया हुआ, किया कि नहीं किया है? आप लोगों बहुत लोग नौकरी कर रहे होंगे उसमें, बैंक में कर रहे होंगे। नाम सुनते कोई लोग समझ ले कि हमें कांग्रेस का कोई प्रवक्ता समर्थक हूं, नहीं, इतिहास का छात्र हूं, समीक्षा करना जानता हूं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान आया था कि नहीं आया था? लैंड सीलिंग आया था कि नहीं आया था? प्रीवी पर्स बंद हुआ था कि नहीं हुआ था? ये तो कांग्रेस पार्टी खुद ही अपना इतिहास नहीं क्लेम करती है, ये हालत है। वो भी नहीं कहते कि हम सब ये किए। मोदी जी जो बेच रहे हैं वो आखिर किसका बेच रहे हैं? उन्हीं सरकारों ने बनाया होगा। तो सबसे पहले एजेंडा पे लाना है कि हमारा आरक्षण गया है, एक तो गया है कांवड़ में, अभी समय रहता तो मैं इतिहास भी बताता आपको। तो सबसे अपील है साथियों, बाबा साहब को मानते हो तो कोई से कर्मकांड में मत जाओ, अगर पूजा भी करना है मन है बहुत, क्योंकि सब लोग नास्तिक और इस तरह के लोग नहीं होते, तो घर में बैठ के अपने कुल देवता का पूजा कर लो। शिव जी किसी ब्राह्मण के देवता नहीं है, शिव जी आपके देवता है, भोलेनाथ इतिहास पढ़ लीजिए जाकर, इतिहास पढ़िए कि हड़प्पा सभ्यता में शिव थे कि नहीं, लिंग पूजा होती थी कि नहीं पूजी होती थी, पढ़िए इतिहास। काली देवी लग रहा है कहीं आर्यन है, आर्य देवी है, सब आपके कल्चर संस्कृति त्योहार में घाल मेल करके, मिथक मिला के, सब कुछ करके उसमें कब्जा कर लिया, और सब कुछ को आप कह देंगे कि नहीं नहीं तो ब्राह्मणवादी है, तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। अपना क्लेम करो, अपने कुल देवताओं की घर वापसी करवाओ। बाबा साहब लिखे ना कि नाग पूजक थे हम लोग, लिखे कि नहीं लिखे? तो अपने अपने देवताओं की घर वापसी करवाओ, कोई कर्म कांड नहीं करो, ज्ञान विज्ञान लाओ, और शादी ब्याह से लेकर जन्म मरण में किसी पुजारी को मत बुलाओ। पहला काम ये, एक रास्ता है। आप ही से चंदा लेके और डंडा तैयार करता है और आप ही को पीटता है, आपको पता ही लगता है, इसी को हम जनौलीला बोलते हैं। दूसरा कि जिसने अडानी को गलत तरीके से मदद किया होगा उसको जेल भेजेंगे, ये लाइए एकदम आर पार लड़ाई लड़नी होगी। मेरे पास सिर्फ नौकरी है, वो भी दांव पे रहती है, जान दांव पे रहता है, अपने लिए नहीं मांगा, तो हिम्मत ऐसे लड़ाई होगी, सड़क पे होगी, संसद घेरो। तीन बार इसी सरकार को बैकफुट पर हम सब ले जा चुके हैं, चाहे SC ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे किसान का मसला हो, घेरो, सड़क पड़ाओ और संवैधानिक तरीके से बोलो वापस लाओ, नहीं तो चलो यहीं पे खेला हो। कंक्लूड करता हूं क्योंकि समय कम है। कोई भी रणनीति दो तरह से बनती है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो यह है सीधा कि बीजेपी हटाओ, इसके सहस्र मुंह हैं, RSS, बजरंग दल, कौन सेना है, इसको सब हमारे लोग करते क्या? इलेक्शन के समय हमने देखा है कि भाई आरपी सिंह साहब कहीं इसका कैंडिडेट जीत गया, चाहे इनका समर्थित जीत गया, तो वो नेता हो जाएंगे, तो दो आदमी मिलकर हमारा तीन पार्टी बनाते हैं, क्योंकि ज्ञान का अभाव है, डिग्री से ज्ञान नहीं आता है। फुटबॉल मैच की तरह नहीं, तो हांडी खेल नहीं देखते, एक के कंधा पे एक चढ़ता है मार के वो हांडी तोड़ता है, फुटबॉल मैच नहीं देखे कि पास देखे खेलो गोल करेंगे, हम लोग में ईगो बहुत ज्यादा है। एक ही आदमी अपने आप को इतिहासकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री, गणितज्ञ, पॉलिटिशियन, पत्रकार सब खुद ही समझता। दो है, एक सीधा 24 के चुनाव में शॉर्टकट इसको हराइए। अब साहब बोल रहे थे कि DP बदलना है बिहार वालों, तो सरकार ही बदल दी, कह रहे थे तिरंगा DP लगाओ, बिहार के लोग इस मामले में चालू है, वो समझ लिया कि तिरंगा के पीछे कोई खेल हो रहा है। सुना है महाराष्ट्र में एक विधायक खरीदने में 80 करोड़ लगे, मध्य प्रदेश में 20 करोड़ लगे, बिहार में 6 ही करोड़ दे रहा था, सुना हमने।
बोला कि बिहार के लोग तो समाजवादी है, ज्यादा पैसा लेके क्या करेगा, 6 ही करोड़ दे रहा था। तो बिहार के लोगों ने सरकार ही बदल दी। साथियों, वो जो पैसा 80 करोड़ 20 करोड़ जा रहा है, आपका आरक्षण का मारा हुआ पैसा है, ये जानिए। वो कौन फंडिंग कर रहा है इनको विधायक खरीदने के लिए और सांसद खरीदने के लिए, कौन करता है फंडिंग? वही आपका आरक्षण खोर जो गगनचुंबी इमारत में बैठा हुआ है। दूसरा तरीका है कि लंबे समय के लिए रणनीति बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सब हम सब मिलके बाबू बनाने में पागल रहते हैं। अरे आपके पास इतिहासकार नहीं है, समाजशास्त्री नहीं है, फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस करने वाले लोग नहीं, क्यों नहीं पढ़ाए? इसकी समीक्षा हो। बाबा साहब ने कहा था, बहुत मुश्किल से कारवां यहां तक लाया हूं, अगर आगे नहीं ले जा सके तो कम से कम उसको पीछे नहीं जाने देना। हम सब स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। कुर्बानी करेगा कोई और, मेरा बेटा बनेगा IAS कलेक्टर और जज। आपका बेटा बेटी आंदोलनकारी क्यों नहीं बन सकता है? पत्रकार वकील क्यों नहीं बन सकता है? लंबी रणनीति है। आप ही लोग से पैसा लेकर 3 बच्चा को भी 1 साल के अंदर, एक को लंदन भेजा पढ़ने के लिए, एक को जर्मनी भेजा, एक को कलकत्ता भेजा। अम्बेडकर नामा देखते हैं यूट्यूब चैनल, उसी से पैसा आप ही लोग से मांग के भेजा। तो लंबी रणनीति है कि जब जब बोलूंगा कम से कम 100 बच्चे स्कॉलर बनाइए बुद्धिजीवी। आप लोग समझते हैं कि खाली बाबू बना के ये लड़ाई लड़ रहे, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, खाली पॉलिटिकल क्लास लड़ाई लड़ रहा। नेता कहां से बोलेगा सब बात? इकोनॉमिस्ट है? नहीं है। CA है? नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बनाया ही नहीं। CA नहीं रहेगा तो खीरा चोरी के आरोप में जेल में जाओगे या हीरा चोर देख लो, वो माल्या मेहुल चौकसी सब 5 स्टार होटल में रह रहा है विदेश में। सवाल ये, 2 रणनीति है, शॉर्ट टर्म डिफीट बीजेपी इन अपकम, जो भी उसको हरा सकता है उसको वोट दो, और दूसरा जो मैं कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म से आप नहीं जीत सकते ये लड़ाई, क्योंकि एक इलेक्शन में हरा लेंगे, दूसरा इलेक्शन में फिर मैनेज हो जाएगा। पार्टी अब वोटर को नहीं खरीदा जाता है, उस नेता समेत पार्टी ही खरीद लेता है, जाओ। तो इसलिए साथियों, अपने घर से इंटेलेक्चुअल्स तैयार कीजिए। क्यों एक रतन लालों का? सैकड़ों ऐसे लोग होने चाहिए, हजारों होने चाहिए जो सरकार से डरे नहीं, दबे नहीं, खुल के बोले। ये लैकिंग है हमारे समाज में। ये वो कुछ प्रोफेसर हो गए होंगे, तो प्रोफेसर एक नौकरी, स्कॉलर बनने के लिए 25 साल तैयारी करनी होती है। बाबा साहब को देखिए, वो अगर लंदन अमेरिका में नहीं पढ़े होते तो सेना में सूबेदार बने रहते, चाहे बड़ौदा महाराज के सूबेदार बने रहते। इसलिए विश्वविद्यालय के महत्व को क्यों नहीं समझते हैं? खाली वहां से BA पास करके बेटा बाबू बन जाए, कोई इंजीनियर डॉक्टर, खेल खत्म, तो आपकी लड़ाई लड़ेगा कौन? जब आरक्षण बचेगा ही नहीं तो कहां से बाबू बनोगे, कहां से बनोगे डॉक्टर और इंजीनियर? इसलिए साथियों, दोनों स्ट्रेटजी पर ध्यान दीजिए। लड़ाई बहुत लंबी और गंभीर है। अब आरक्षण बचाओ नहीं, आरक्षण लाओ की लड़ाई होगी। कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन कभी फिर विस्तार से। शुक्रिया, जय भीम।